कहते हैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप गोदी में लिए बैठा है, चिंता बड़ी है। और सामने क्या देखा, सिंहका आ गई। सिंहका ने देखा, भैया चिंता क्यों करते हो, मतलब क्या है? जब ये देखा चिंता क्यों करते हो, बोली भैया ये कारण क्या है तुम्हें ये पता होना चाहिए। मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। चिंता सब छोड़ दो, देरी किस बात की है, मेरे पास वो शीतला चीर है और वह शीतला चीर में एक से एक बड़े सुंदर सितारे लगे हैं, चमकीले झिलमिला रहे है। और वो शीतला चीर को ओढ़ करके जब मैं बैठूंगी, आग लगा देना, प्रहलाद जल की भस्म हो जाएगा और मेरा हलवा का नहीं होगा। कैसी चुनरिया ओढ़ी, और चटक चुनरिया ओढ़ लला को माने गोद में लाओ उठाए। और लपकत जावे भागत जावे धोतिया दबक पांव से जावे। सब बिगड़ गए प्रहलाद।
गोद में प्रहलाद को उठाया, भैया ने बहुत सुंदर चिता बनवाई और प्रहलाद बोला बुआ कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ लेके जा रही हो? जवाब दिया बेटा हम भजन करेंगे। और तुम्हें मालूम है कि भोजन और भजन और ये तीनों एकांत के होते हैं। बेटा हम भजन करेंगे। बोले कहाँ करोगे? जवाब दिया जंगल में। प्रहलाद ने देखा ये ऊंची चिता कैसी बनी है, बोले इसी में बैठ के तो करेंगे। लकड़ियों का ढेर लगा। प्रहलाद बोले बुआ तू कब से भक्ति नहीं है गई भगवान की, हैं? तेने कबू राम को नाम न ले जानो, तू इतनी बड़ी भक्तनी कब से बन गई? बोले चलो आज देखेंगे भगवान के भजन में कितना आनंद है। और गोदी में लेके बैठी, भैया को इशारा किया और जिस समय इशारा किया, जब इशारा किया तो मामला ही कुछ बदल गया। अग्नि को लगाया है, वो अग्नि की लपटें आसमान को छूने लगी और प्रहलाद मन में विचार करने लगे, सोचने लगे ये हो क्या रहा है, अब हम इस अग्नि पे से नहीं बच पाएंगे। और उधर भगवान श्री हरि नारायण ने कहा पवन देवता से, हम किसी देवता का अपमान नहीं करना चाहते, जो चीर ओढ़े हुए सिंह का है उसे चीर को उतार करके हमारे प्रहलाद को उड़ा दो। पवन देवता ने बही किया और चीर को खींचा और प्रहलाद को लपेट दिया। और उधर अग्निदेव से कहा सिंह का बच ना जाए और मेरे प्रहलाद पर आंच ना आ जाए। वही हुआ, थोड़ी देर भजन करो, और जब अग्नि की लपटें लगी तो सिंह का बोली बेटा मोकू छोड़ दे मैं तो जली जा रही हूं। प्रहलाद बोले बुआ तू मन से भजन ही नहीं कर रही, अभी कपट से भजन कर रही है। मन से भजन कर रही होती तो मेरी तरह बैठी रहती। हाँ जो चुनरिया कपट की है, कपट की तू भजन कर ही ना रही, जो चुनरिया ओढ़े हैं। अरे भैया उसी समय झपट्टा मारा, प्रहलाद उस चूनर को ओढ़े बैठे हैं और सिंह का रोती रही चिल्लाती रही, लेकिन भगवान की कृपा से वो जल करके भस्म हो गई। सारी रात अग्नि की लपटे आसमान को छूते रहे, लेकिन चुनरिया में इतना दम तो लला धीरंदर भी बिल्कुल आराम से भजन करते रहे। ऐसा मालूम पड़ता है कि उसमें ठंड लग रही है। सुबह हुआ, गांव के लोग चले, बोले भैया अब तो प्रहलाद जल गए होंगे, अब नहीं बचे होंगे, मर गए होंगे। तब ये देखा कि प्रहलाद जल के भस्म हो गए होंगे। सज्जनों राख शांत हुई है, गांव की माताएं बहनाएं सब लोग जा रहे हैं। प्रहलाद उठे, गांव में प्रवेश किया तो सब प्रहलाद को प्रेम भाव से उठा के सीना से लगा लेते। कोई चंदन लगा रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है, कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा है। और जो प्रहलाद के मित्रगण थे वो भी बड़ी खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को गले से लगा रहे हैं। और मास्टर जी जो सिंह का से प्रेम करने वाले थे, राक्षस स्वभाव के जो हिरण्यकश्यप से प्रेम करने वाले थे, चंद्रपाल की तरह, चंद्रपाल नाम है का, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हमारी बहन मर गई। और जब उन्हें बहन का गम हुआ तो बोतल लेके पी रहे हैं, नाली में गिरते फिर रहे हैं, कीचड़ मार रहे हैं एक दूसरे, बड़ा दुख हुआ। तो उसी दिन से हमारे देश में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। और एक कीर्तन है उसके बाद आगे। हमारे